उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के संजीव जीवा हत्याकांड के मामले में आरोपी शूटर विजय यादव को कोर्ट में पेश किया जाएगा। विजय यादव को जेल से कोर्ट लेकर पुलिस की एक टीम यहां पर पहुंचेगी और इसके बाद उसकी रिमांड के लिए उसे CGM कोर्ट में पेश किया जाएगा। तस्वीरें राजधानी लखनऊ की उसी कोर्ट के बाहर की हैं जहां विजय यादव ने बीते हफ्ते संजीव जीवा की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद वकीलों ने संजीव जीवा को जमकर पीटा था, जिसमें घायल होने के बाद उसे KGMU के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। अब बुधवार को पुलिस कस्टडी के लिए लखनऊ पुलिस विजय यादव को अदालत में पेश करेगी, जहां पर उसे कड़ी सुरक्षा के बीच लाया जाएगा। कोर्ट के बाहर इससे पहले बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके अलावा कई IPS अधिकारियों और कई थानों की पुलिस को भी मौके पर भेजा गया है। सुरक्षा के लिहाज से अदालत परिसर में पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। कोर्ट के सभी गेट्स पर सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके अलावा सादी वर्दी में भी कई अधिकारियों को तैनात किया गया है। वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर बनाई गई विशेष जांच टीम ने भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। ADG मोहित अग्रवाल के नेतृत्व वाली इस टीम ने बीते एक हफ्ते में जो जांच की है, उसकी रिपोर्ट योगी सरकार के सामने रखी जाएगी। CM योगी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद अयोध्या के IG प्रवीण कुमार और ADG मोहित अग्रवाल इस मामले की संयुक्त रूप से जांच कर रहे थे। लखनऊ की कोर्ट में संजीव जीवा की हुई हत्या के बाद इस मामले को लेकर अदालती सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े हुए हैं। घटना के बाद से ही कोर्ट के बाहर इसी तरह से पुलिस बल तैनात है। लखनऊ की कोर्ट में विजय यादव की पेशी के दौरान पुलिस को रिमांड मिलती है या नहीं, ये कुछ देर में साफ हो जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि इस मामले को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।